हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बात कर रहे हैं एरेज इन पाइथन प्रोग्रामिंग की, और आज का जो हमारा मोटिव है वो है कि किस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे, कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम एक एम्प्टी एरे कैसे बना सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में या पाइथन लैंग्वेज को यूज करके, वो सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं एक एक करके। इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी वैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमें कोई भी एरे के साथ वर्कआउट करना है पाइथन में, तो उसके लिए मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होते हैं। तो इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने उसके बारे में बात की हुई है, सो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एरे के पूरी बेसिक्स भी पढ़े हैं, उसके भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज में। सो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उन सारी वीडियोज को देख लें, और वो सारी वीडियोस हमारे चैनल में एरे के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे भी मिल सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी अवेलेबल है, सी प्रोग्रामिंग में भी अवेलेबल है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। सो वापस आते हैं और बात करते हैं कि यदि हमें पाइथन में एरे को लेके वर्कआउट करना है तो उसका जो बेसिक तरीका है वो क्या होता है। सबसे पहले तो हमको पता है, जैसे हमने बात की थी, कि विदाउट इम्पोर्टिंग एरे मॉड्यूल हम अपना एरे का कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम अपने एरे के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन यूजर प्रोग्राम में, एंड उसके बाद में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद उस मॉड्यूल में अवेलेबल क्लास का हम ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं। ऑब्वियसली एरे मॉड्यूल में जो क्लास अवेलेबल होती है, दैट इज ऑल्सो हैज द सेम नेम एरे। सो इस एरे क्लास का हम ऑब्जेक्ट लेंगे एरे नेम, और जब ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है इसका मतलब हमने एरे बना लिया अपने प्रोग्राम में। तो ये जो एरे का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं, इस एरे के ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग डिक्लेरेशन हमें दो चीजों के साथ लेना पड़ता है। उसमें पहला होता है यू कैन सी टाइप कोड, और दूसरा होता है हमारे पास में एलिमेंट्स। तो यहां पर इस टाइप कोड को कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड से, जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप। सो बेसिकली टाइप कोड को लेने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमारा जो एरे है वो किस टाइप के डेटा को मैनेज करेगा। एज वेल एज एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमें अपने एरे में कितनी डिफरेंट वैल्यूज को मैनेज करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हालांकि हम एम्प्टी एरे क्रिएट करके भी एलिमेंट्स को बाद में इनपुट करवा सकते हैं, एलिमेंट मैं गलत बोल रहा हूं, एक्चुअली वैल्यूज को हम इनपुट करवा सकते हैं। तो हमें अपने एरे में कितने एलिमेंट्स चाहिए, हम या तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, या हम चाहें तो आफ्टर मेकिंग एम्प्टी एरे बाद में एज ऑन डिमांड हम एलिमेंट्स को ले सकते हैं, चाहे वो उसकी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो एरे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली डायनेमिक इन नेचर। ये ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 5 दे दिया तो उसका एलिमेंट का साइज या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट उसके जो होंगे वो 5 ही होंगे। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब हम एरे को यूज करना चाहते हैं पाइथन लैंग्वेज में, तो वी हैव टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ एरे क्लास विच इज अवेलेबल इन एरे मॉड्यूल, सो वी हैव टू इंपोर्ट इट ऑल्सो। जब हम बात करते हैं टाइप कोड की, इनडायरेक्टली एज आई सेड कि इसे हम डेटा टाइप कंसीडर कर सकते हैं। सो कौन कौन से टाइप कोड्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम अपने एरे डिक्लेरेशन में यूज कर सकते हैं, जल्दी से उसको भी मैं आपको बता देता हूं। यू विल सी कि हमारे पास कुछ आइटम कोड्स जो हम यूज करते हैं, दैट इज बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल यू एच स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल आई। एज यू कैन सी दिस आई इज बेसिकली यूज फॉर इंटीजर्स, ऑब्वियसली इट इज ऑफ 2 बाइट। सिमिलरली फॉर शॉर्ट इंट वी कैन यूज दिस कैपिटल एच, दैट इज फॉर अनसाइंड, एंड फॉर साइंड शॉर्ट इंटीजर्स वी कैन यूज दिस स्मॉल एच। सिमिलरली फॉर कैरेक्टर वी कैन यूज स्मॉल सी, एंड सिमिलरली वी हैव ऑल्सो another list there you see unsigned int ke liye we can use capital I, capital L we can use for long integers, small l we can use for long integers again but it should be signed, capital S is basically for unsigned, float ke liye hum basically small f use karte hain, there is an also small letter that is small d as, aur sath hi hamare paas ek small d bhi hota hai jisko use karke hum double ka work out kar sakte hain array mein। इनका साइज यू कैन सी 4 बाइट 8 बाइट भी होता है। तो ये कुछ आइटम कोड्स हैं जिनको लेके हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाइथन में
एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यूज कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे वो देखते हैं, और उसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है वो भी हम देखते हैं। तो मैं अपने पाइथन शेल में आता हूं। अब मैंने अपना पाइथन का कोड एडिटर ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे अगर आप एरे के साथ वर्कआउट करना चाहता हूँ, सो डेफिनेटली सबसे पहले मुझे इम्पोर्ट करना होगा एरे मॉड्यूल। और आपको ऑलरेडी मैंने ये भी बताया हुआ है कि एरे के मॉड्यूल को डिक्लेयर इम्पोर्ट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, तो आपको जो ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूँ दैट इज एज ARR। नाउ आई विल डिक्लेयर एन एरे बाय द नेम ऑफ ए, और इस ए को डिक्लेयर करना है तो मेरा जो मॉड्यूल है उसका नाम अब ARR है। डॉट मैं करूंगा एरे दैट इज माई क्लास, और इसके अंदर मुझे डिफाइन करना होगा इस ए का डेटा टाइप क्या है, सो दैट बिकॉज मैं इंटीजर लेना चाहता हूँ सो दैट आई कैन यूज दिस आई। अगर आप फ्लोट लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज और चेंज इट टू एफ, बट फॉर अ वाइल मैं इसको आई ले लेता हूं। एंड इसके बाद में मैं प्लेस करता हूं और यहां पे मैं एलिमेंट्स डिफाइन करूंगा। सो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन मैं उसी समय इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करूंगा, तो जो जो हमें वैल्यूज चाहिए हमारे एरे में वो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, जैसे 4, 5, 8, 12, एंड सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर दैट इज 23। Then close this delimiter and again close this delimiter. So ये इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं array को declare किया है with some elements, और ये during declaration हमने इसको initialize भी कर दिया है। आपके दिमाग में question आ सकता है कि क्यों ना हम सिर्फ declare करें और हम input करें values को, so that array के elements में वो जाके store होते चले जाए। तो उस video के बारे में उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है कैसे हमने एरे को डिक्लेयर किया, साइमल्टेनियसली उसको इनिशियलाइज कैसे कर दिया। एंड जैसे हमने देखा आपने कि यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, एंड वी नो ऑल्सो नो कि एरे है तो ऑब्वियसली उसके इंडेक्स वैल्यूज भी होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। सो दिस बिकम A0, दिस बिकम A1, दिस इज A2, A3 एंड A4। नाउ अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को अब डिस्प्ले करना है, सो सिंपली आई कैन राइट और यूज प्रिंट, एंड इसके अंदर अगर मैं जाके लिखता हूं यहां पर A0, सो नाउ अब मैं 2 मिनट के लिए इस प्रोग्राम को सेव करके एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। सो जल्दी से मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसका एक नाम दे देता हूं लाइक example.try, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। नाउ अब मैं इसे रन करता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू कैन सी हियर कि इट इज शोइंग यू 4। ओके, सो इसका मतलब ये 4 दिखा रहा है। तो 4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि A0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 है। सिमिलरली अगर हमें दूसरे एलिमेंट भी चाहिए, सो आई कैन सिंपली राइट कंट्रोल, इसको मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूं फिर देखते हैं, एंड इसको मैंने 1 कर दिया। सिमिलरली यूज दिस 2 इंडेक्स नंबर 3 एंड एट लास्ट वन मोर इंडेक्स नंबर 5। सो मैं इसे जल्दी से कर देता हूँ 4, एंड अगेन इसको हम रन करके देखते हैं, जस्ट सेव इट एंड नाउ यू सी हियर कि ये प्रॉपरली सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज हमने इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए प्रिंट यूज किया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम सारे एलिमेंट्स को बार बार इंडेक्स इंडिविजुअली करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो वी कैन ऑल्सो यूज लूप, वी कैन टेक हेल्प ऑफ लूप टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनसाइड एन एरे। सो चलिए उसको भी हम लूप के थ्रू करके देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर, मैंने लिया आई इन रेंज बिकॉज आई हैव 5 एलिमेंट्स, सो दैट आई कैन यूज 5 ओवर हियर, पुट दिस कोलन एंड आफ्टर दैट यू जस्ट टाइप प्रिंट, एंड इसमें मैंने जाके सीधे सीधे लिख दिया ए, एंड टू स्पेसिफाई द पोजिशन वी कैन यूज आई एंड क्लोज दिस ब्रैकेट। नाउ द माई प्रोग्राम इज कम्प्लीटेड, नाउ जस्ट रन इट, सेव इट एंड यू सी हियर कि अगेन इट इज शोइंग एवरी एलिमेंट्स वैल्यू 1 बाय 1। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि यू कैन टेक हेल्प ऑफ लूप टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इंडिविजुअली ऑफ एन एरे। सो आप चाहें तो लूप यूज कीजिए, अगर आपको सेपरेटली वैल्यूज को यूज करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज को ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, सो यू कैन जस्ट टाइप द इंडेक्स नंबर, तो उसको हेल्प से, उसकी हेल्प से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं।
सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर एरे. हाँ एक बात और, अगर मैं इसे यहां पे फ्लोट कर देता हूं जस्ट फॉर अ व्हाइल, अगर मैं इसे फ्लोट करके अब मैं इसे सेव रन करके देखता हूं, चलिए देखते हैं क्या होता है. सो नाउ यू सी ऑल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोट बिकॉज ऑफ दिस एफ आई हैव टेकन. सो इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर स्मॉल लेटर और यू कैन से सिंगल कैरेक्टर प्ले द रोल ऑफ डेटा टाइप एंड विच वी कॉल बेसिकली आइटम कोड. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर एरे एंड वी कैन एक्सेस वैल्यूज ऑफ एरे एंड वी कैन इनिशियलाइज इट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी डिक्लेयर एम्प्टी एरे. सो इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट रिमूव ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम हियर. सो नाउ यू सी, क्लोज दिस नाउ. Now it has become what? Your empty array. Now because अभी इसमें कुछ है नहीं या कोई भी एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, so that इसकी values तो हम प्रिंट नहीं कर सकते. In the next session when I will tell you about the inputting in array, means कैसे हम array में values को input करते हैं, या user अगर input करना चाहे तब हम empty array लेके फिर उसमें values input करेंगे तब हम इसको use करेंगे. तो फिलहाल the basic motive was to know how can we declare empty array. So this is what the basic syntax of it. So that's it for this session. Milte hain next session mein aur usme hum dekhenge kaise hame dynamically values input karni hai hamare array mein. To tab tak ke liye bye bye and take care.